नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं लापता था। मतलब लापता कहने का मतलब ये था कि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, बातें नहीं कर पा रहा था, वीडियोस भी अपलोड नहीं कर रहा था। थोड़ी सी वर्क का प्रेशर मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा था और थोड़ी सी बहुत सारी चीज़ों से लेकर परेशान था। बट ओवरऑल अब सब कुछ धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो रहा है और वर्ल्ड कप भी नज़दीक आ रहा है, तो मैंने सोचा कि अब तैयारी करनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं तब से बैठा हुआ था, मैं वीडियो भले ही लेकिन आया, लेकिन आप लोगों से लाइव आकर बातें जरूर कर रहा था और साथ ही साथ मैं वर्ल्ड कप की तैयारी में भी लगा हुआ था, सारे स्टैट्स सारे रिकॉर्ड्स निकालने के चक्कर में। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आप लोगों से सॉरी चाहता हूँ कि मैं अब तक आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पाया, बट अब मैं कंटिन्यू करूंगा। दूसरी नंबर ये बात है कि अब तक जिन भी लोगों को, जिन मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को मेरी प्रेडिक्शन से नुकसान हुआ होगा, ठीक है, उनसे मैं सॉरी चाहता हूँ, मैं उनको सॉरी बोलता हूँ। और दूसरी नंबर, उसकी भरपाई इस वर्ल्ड कप में आप लोगों से मैं जरूर कराऊंगा और इसके अलावे बिग बैश लीग में बम्पर कमाई भी हमारी चैनल से आप लोग जरूर करेंगे, ये मैं आप लोगों से वादा करता हूँ। वादा क्या, 100% मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों इस तरीके से मैच वहां पर जीतो, आप लोग अच्छे रैंक लेके आओ। अब दोस्तों, बात यह है कि मैं अभी जो वीडियो ये बनाया है बेसिकली इंडिया वुमन और श्रीलंका वुमन के जो एशिया कप का फाइनल मैच है उसके लिए। ठीक है, सारे स्टैट्स निकाल के मैंने रखे हुए हैं, मेरे फिक्स प्लेयर भी रखे हुए हैं, मैंने सब कुछ तैयारी करके रखा हुआ है। बट आप लोगों से मुझे डिस्कस करना था और चीजें थोड़ी सी दिखानी भी थी। कुछ बातें ऐसे होती है मेरे फ्रेंड्स की स्टैट्स बहुत मैटर करता है। मैंने एक चीज को नोटिस किया इतने पिछले एक महीने में, मैं भले वीडियो नहीं बना पाया बट मैंने बहुत सारी चीजें नोटिस किया, हर एक चीज को बारीकी से देखा, चाहे वो मतलब किसी भी टीम का, पाकिस्तान इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हो, या इंडिया का जो मैचेस साउथ अफ्रीका के साथ हुए, सारी चीजों में बहुत सारी चीजों को नोटिस करते हुए मैंने कुछ फैक्ट्स से कुछ स्टैट्स भी तरीके से निकाले हैं। उसके बारे में अलग से वीडियो बना के लेके आऊंगा, आप लोगों से बातें करूंगा, उसमें दिखाऊंगा चीजें कि किस तरीके से क्या हुआ है और हो रहा है। स्टैट्स बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कल के जो मैच होने वाले हैं, इंडिया वुमन और श्रीलंका वुमन की एशिया कप वुमन फाइनल का जो मैच है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, ठीक है, रिकॉर्ड्स दिखा देता हूँ, फिर मैं डिस्कस करूंगा प्लेयर्स के बारे में, पहला नंबर, दूसरा नंबर कितने रन तक जाएंगे, तीसरा नंबर वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो अच्छा खेलते हैं श्रीलंका के खिलाफ, और श्रीलंका के वो कौन से प्लेयर हैं जो इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। ठीक है, ये बातें डिस्कस करेंगे, तीसरे नंबर पे बातें हम डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट की बात हम डिस्कस करेंगे कि इनिंग्स ब्रेकअप के अकॉर्डिंग किस किस प्लेयर को कब कब हमें रखना हमारे लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले आपको मैं स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और कुछ फैक्ट दिखाता हूं इंडिया वुमन और श्रीलंका वुमन के जो अब तक मैचेस हुए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूं। अब तक जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आप प्रॉफिट में जाइएगा, 100% प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, अब मैं कंप्लीटली अपडेट होने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो मैच है, ये इंडिया और श्रीलंका वुमन के बीच का जो मैच है, ये 1 अक्टूबर को खेला गया था। मतलब इन दोनों के बीच हेड टू हेड, जो भी मैं मैचेस दिखा रहा हूँ ये हेड टू हेड मैचेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से क्या होता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि इंडिया वुमन के तरफ से शिफाली वर्मा ओपनिंग करने आती है, स्मृति मंदाना, ये दोनों ओपनिंग जोड़ी है। ठीक है, इसके बाद रोड्रिग्यूज आते हैं, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हेमलता, ऋचा घोष, पूजा वस्त्रकर एंड दीप्ति शर्मा। लेकिन इनके जो बैटिंग जो ऑर्डर है, महिलाओं की टीम के साथ क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इनके बैटिंग ऑर्डर कभी भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बट चेंज हो या ना हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि फिक्स होती हैं। अब हम यहां पे ये देखते हैं कि देखिए, शिफाली वर्मा फर्स्ट इनिंग में खेलते हुए 10 रन बनाई, स्मृति मंदाना 6 रन बनाई, रोड्रिग्यूज जो है 76 रन बनाकर आउट हुई है, हरमनप्रीत कौर 33, हेमलता 13 और ऋचा घोष 9, बाकी ये लोग एक एक पे मतलब सिमट गए ओवर। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों, अब आप यहां पे देखिए कि
श्रीलंका के तरफ से इंडिया के अगेंस्ट किसने विकेट लिए? तो एक है राणा सिंघे, इन्होंने 4 ओवर में 3 विकेट हासिल किए हैं। सुगंधिका कुमारी 4 ओवर में 1 विकेट, और एक चमारी अट्टापट्टू 1 ओवर में 1 विकेट लेकर गई थी। इसके बाद श्रीलंका सेकेंड इनिंग में बैटिंग करते टाइम, ठीक है, मैं बहुत कम में शॉर्ट में चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं दोस्तों, आपको वो देखने की जरूरत है। ठीक है, यहां पे देखिए, ये है समारोह विकर्मा, ठीक है, ये 26 रन बनाई है इंडिया के अगेंस्ट सेकेंड इनिंग के अंदर, अट्टापट्टू 5 रन पे, ठीक है। इसके बाद है हसीनी परेरा 30 रन बनाई है, और राणा सिंघे फिर 11 रन, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 109 रन पे ये लोग सिमट गए थे। और इंडिया के तरफ से जो मोस्ट विकेट टेकर हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, रेणुका सिंह को 2 ओवर में 0 विकेट मिला, दीप्ति शर्मा को 4 ओवर में 2 विकेट मिला, हेमलता 2 ओवर 2 बॉल में 3 विकेट लेके गई थी, पूजा वस्त्रकर 3 ओवर में 2 विकेट लेके गई थी, राधा यादव 3 ओवर में 1 विकेट लेके गई थी। तो दोस्तों किस पे फोकस करना है? पहला नंबर है राधा यादव, दूसरा नंबर है दीप्ति शर्मा, ठीक है, इनको दोनों को आपको जरूर फोकस करना है, मैं जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो मैच हुआ था उससे पहले जो मैच हुए थे उसमें देखिए, तो स्मृति मंदाना 22 रन बनाई, शेफाली वर्मा 5 रन, ठीक है, मेघना 22, कौर 39 एंड रोड्रिगुज 33। देखिए यहां पे रोड्रिगुज कहां पे आई है, जबकि ये वन डाउन आती है, यहां पे खेलने आती है, लेकिन वही मैं बोला था कि महिलाओं के मैच में जो होता है कि इनके बैटिंग ऑर्डर कभी भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे सुगंधिका कुमारी फिर से 1 विकेट लेके गई, ये कंचना एक आई थी 4 ओवर में 1 विकेट, राणा सिंघे को 1 विकेट 3 ओवर में, और रणवीरा को 4 ओवर में 1 विकेट मिला था। तो ये इनका मतलब कि विकेट जो फॉल हुए थे उसमें इन लोगों का ये रिकॉर्ड रहा है। और ये मैच श्रीलंका जीती थी, ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पे गुणरत्न ने 5 रन बनाया था, अट्टापट्टू 80 रन, यानी कि 80 रन अकेले अट्टापट्टू बनाई थी, ठीक है। समरविक्रमा जो है 13 रन, और एन डी सिल्वा जो है 30 रन बनाई थी, इसके बाद कोई भी रन नहीं बनाया था क्योंकि लोग मैच जीत गए थे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। रेणुका सिंह को यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, रेणुका सिंह को 4 ओवर में 1 विकेट मिला था, और राधा यादव को 1 विकेट मिला था। दोस्तों फिर से मैं आपको फोकस करने के लिए जिस पे कह रहा था, राधा यादव, ठीक है, 4 ओवर में 1 विकेट मिला था, और रेणुका सिंह को 1 विकेट मिला था, यहां पे दीप्ति शर्मा को कोई विकेट नहीं मिला था, इसके अलावा किसी को भी कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद नेक्स्ट मैच में देखते हैं, उससे पहले जो मैच हुआ था, ठीक है, उस पहले मैच में श्रीलंका पहले बैटिंग की थी, और यहां पे देखिए गुणरत्न ने 45 रन बनाया, अट्टापट्टू 43 रन बनाए, और बाकी के कोई स्कोर खड़ा नहीं किया, 125 रन पर 7 विकेट गिरे थे। और इस मैच के अंदर आप देखिए रेणुका सिंह, ठीक है, 4 ओवर में 1 विकेट, दीप्ति शर्मा 4 ओवर में 2 विकेट, ठीक है, सिमरन बहादुर 2 ओवर में 0 विकेट, एंड राधा यादव 3 ओवर में 1 विकेट, पूजा वस्त्र का 4 ओवर में 1 विकेट, और कौर को 3 ओवर में 1 विकेट, ठीक है। आपको किस पे फोकस करने के लिए मैंने बोला था? राधा यादव, ठीक है, राधा यादव, दीप्ति शर्मा देख लिए, दो दो, ठीक है। इसके बाद फिर आइए यहां पे सेकेंड इनिंग में, अब आपको मैं बता रहा हूं सेकेंड इनिंग में, यहां पे आप देखिए दोस्तों कि स्मृति मंदाना ओपनिंग करने आई, 39 रन बनाई, शेफाली वर्मा 17, मेघना 17, हरमनप्रीत कौर 31, रोड्रिग्यूज 3, और यासिका भाटिया 13, हालांकि अभी खेल नहीं रही है। इसके बाद इधर से किसने विकेट लिया? तो राणा सिंघे ने 1 विकेट लिया, सुगंधिका कुमारी 1 विकेट ली, और रणवीरा ने 2 विकेट लिया, और कोई विकेट नहीं लिया। इसके बाद एक मैचेस और उसके पीछे जाते हैं, यहां पे आप देखते हैं क्या है कि शेफाली वर्मा फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते टाइम 31 रन, स्मृति मंदाना 1, ठीक है, मेघना 0, कौर 22, रोड्रिग्यूज 36। और इसके श्रीलंका के तरफ से अगर देखा जाए तो विकेट किसने लिया था? फिर से दोस्तों मैं फास्ट भाग रहा हूं, बट आपको चीजें तरीके से समझाऊंगा, वेट कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, स्किप कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। राणा सिंघे 3 ओवर में 2 विकेट, रणवीरा 4 ओवर में 3 विकेट, और चमारी अट्टापट्टू 2 ओवर में 1 विकेट, ठीक है, ये था इनका हिसाब किताब। और इसके बाद श्रीलंका वुमन जो बैटिंग करने आई थी तो ये हालांकि सिमट गई थी 20 ओवर में बहुत कम रन पे, 1 रन बनाई गुणरत्न ने, अट्टापट्टू 16, समरविक्रमा जो है 10 रन, और कविशा दिलहारी 47 रन, और बाकी के ये तो उन लोगों की गिनती गिनने की कोई जरूरत है नहीं। और यहां से देखिए दीप्ति शर्मा फिर से 3 ओवर में 1 विकेट, राधा यादव 4 ओवर में 2 विकेट,
पूजा वस्त्रकर 4 ओवर में 1 विकेट और शेफाली वर्मा 2 ओवर में 1 विकेट मिला था। ठीक है, राधा यादव, दीप्ति शर्मा, मैंने आप लोगों को बोला है इन लोगों पर फोकस करने के लिए, आप कर रहे होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। इसके बाद फिर से श्रीलंका वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की थी उसके पहले मैच में, जहां पे ये उमाशा थी 2 रन बनाई, अट्टापट्टू 33, समर विक्रमा जो है 12 रन और श्रीवर्धने 13 रन, नहीं खेल रही है फिलहाल, कविता दिलहारी 25 रन। ठीक है, अब आइए यहां पे विकेट सेक्शन में, विकेट किसने किसने लिया, तो दीप्ति शर्मा फिर से 4 ओवर में 1 विकेट, शिखा पांडे फिलहाल नहीं खेल रही है, राजेश्वरी गायकवाड़ 4 ओवर में 2 विकेट, पूनम यादव 4 ओवर में 1 विकेट और राधा यादव 4 ओवर में 4 विकेट। तो दोस्तों जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, दीप्ति शर्मा और राधा यादव, यानी कि ये जो दो है, ठीक है, राधा यादव और दीप्ति शर्मा, दोस्तों ये कंटिन्यू दोनों जो हैं विकेट लेते हैं श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, तो मेरे लिए कल के मैच में फर्स्ट ट्रम्प कार्ड जो निकलते हैं वो है राधा यादव एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरे लिए फर्स्ट ट्रम्प कार्ड राधा यादव है कल के मैच में, ठीक है, और मैं अपने टीम के अंदर उनको कैप्टन बना के जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनकी कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस जारी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं दोस्तों, इधर से शेफाली वर्मा 47 रन, स्मृति मंदाना 17, हरमनप्रीत कौर 15, रोड्रिग्यूज 15 और दीप्ति शर्मा 15, पता नहीं 15-15 का गेम खेल रहे थे ये लोग। तो दोस्तों मेरे तरफ से ये रहा सबके जो स्टैट्स है दिखा दिए। अब इन स्टैट्स को दिखाने का मतलब क्या था? इन सारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो टीम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन से प्लेयर हैं जो हमें टीम में शामिल करने चाहिए, जिन्हें फिक्स रखना चाहिए, जिन्हें रोटेट करना चाहिए, वो कौन कौन से प्लेयर हैं, वो कौन कौन से प्लेयर निकल रहे हैं, तो मैं आपको उसके नाम बता दे रहा हूं। हालांकि स्क्रीन के ऊपर भी मैं ये चीजें आप लोगों को दे रहा हूं। देखिए अब दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले रोड्रिग्यूज को, ठीक है, रोड्रिग्यूज की बारे में मैं बात करता हूं। अगर इंडिया वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो रोड्रिग्यूज को आप लोग टीम में शामिल कर लेना, और हो सके तो 2-3 टीम, अगर ज्यादा टीम बनाते हो तो 1-2 टीम के अंदर आप उसको कैप्टन कंसीडर करना। हरमनप्रीत कौर डिफॉल्ट पिक आप लोग रखना, चाहे सेकेंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो। शेफाली वर्मा फर्स्ट इनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में आप इनको कैप्टन भी बना सकते हैं शेफाली वर्मा को। इसके बाद राधा यादव डिफॉल्ट पिक में आप रख सकते हो राधा यादव को। पूजा वस्त्रकर को आप सेकेंड इनिंग में, अगर ये बॉलिंग, मतलब इंडिया जाती है बॉलिंग करने, तो आप इनको रख सकते हो सेकेंड इनिंग में, ये अक्सर विकेट लेते हुए दिखाई देती है, फर्स्ट इनिंग में भी दिखाई देती है, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप इनको लेके जा सकते हो। प्लेयर्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कौन कौन से निकलते हैं, तब पूजा वस्त्रकर के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद चमारी अट्टापट्टू, भले ही अभी तक ये फ्लॉप आई हैं, लेकिन इंडिया वुमन के अगेंस्ट ये सिर्फ एक बार ये 5 रन पे आउट हुई हैं, नहीं तो ये डबल डिजिट में हमेशा रही हैं। 80 का भी स्कोर बनाया है, 33 का भी बनाया है, 43 का भी बनाया है। तो चमारी अट्टापट्टू को भी आप अपने टीम में कंसिडर कर सकते हैं, सिलेक्शन परसेंट भी कम है। इसके बाद के दिलहारी या एन डी सिल्वा, ठीक है, इन दोनों को, के दिलहारी और एन डी सिल्वा को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं ओ राणा सिंघे, जिनका सिलेक्शन परसेंट हाई है बट अक्सर ये विकेट लेती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद आई रणवीरा, मोस्ट विकेट टेकर है श्रीलंका की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट। इसके बाद एन शहानी और एस कुमारी, यानी कि सुगंधिता कुमारी, ठीक है दोस्तों, इन दोनों ये ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, एम शहानी या सुगंधिता कुमारी, इन दोनों को रोटेट करके आप अपनी टीम दोस्तों बना सकते हो। अब कैसे, तो फिक्स तो है ओ राणा सिंघे फिक्स्ड है, रणवीरा फिक्स है, एस कुमारी अगर फर्स्ट बॉल करेगी इंडिया के अगेंस्ट, यानी अगर इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो एस कुमारी को आप टीम में जगह देना, राधा यादव को फिक्स कर देना। तो दोस्तों ये इस तरीके से मेरे हिसाब से जो बेस्ट टॉप परफॉर्मर जो प्लेयर हैं मैंने आपको बता दिए। आइए चलते हैं ड्रीम इलेवन के ऐप के ऊपर, और मैं आपको यहां से दिखाता हूं कि किस तरीके से मैंने टीम को सिलेक्ट किया है प्लेयर्स को। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये मेरी पहली जो टीम है, इस तरीके से ये टीम जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए मैंने यहां पर जो है इस तरीके से रखा है कि इंडिया जो है, इंडिया फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है, क्या
सॉरी इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तब की टीम मैंने ये तैयार किया है, ये सोचकर कि इंडिया फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है। इसके अंदर आप देख रहे हैं मैंने ऋचा घोष को रखा है, ठीक है, हरमनप्रीत कौर को रखा है, रॉड्रिग्यूस को रखा, शेफाली वर्मा को रखा। दोस्तों फर्स्ट इनिंग में अगर ये लोग बैटिंग करने आती है इंडिया वुमन, तो स्मृति मंदाना को आप ड्रॉप कर सकते हैं, शेफाली वर्मा और रॉड्रिग्यूस इन दोनों के साथ आप बेहिचक जा सकते हैं। हरमनप्रीत कौर को भले ही आप एक बार ड्रॉप करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इनके जगह पे आप किसको रखिएगा, तो इनके जगह पे आप हरमनप्रीत कौर को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो एन डी सिल्वा को रखिएगा, और अगर एन डी सिल्वा को रखते हैं तो के दिलहारी को ड्रॉप करके आप यहाँ पे पूजा वस्त्रकर को भी आप जगह दे सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से टीम एक बनाया। इसके बाद दीप्ति शर्मा डिफॉल्ट पिक सबकी होंगी, आपकी भी होनी चाहिए, तो मेरी भी है। चमारी अट्टापट्टू मेरे लिए डिफॉल्ट पिक है, के दिलहारी और एन डी सिल्वा में से मैं इन लोगों को रोटेट करूंगा। इसके बाद यहां से आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऋतु राज गायकवाड़ को मैंने रखा है, ठीक है, इसके बाद ओ राणा सिंघे, इस सुगंधिता कुमारी और राधा यादव, मैंने राधा यादव को कैप्टन बनाया है क्योंकि राधा यादव मेरे लिए ट्रम्प कार्ड है, सिलेक्शन परसेंट भी बहुत कम है और स्टैट्स के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेती हैं दीप्ति शर्मा और राधा यादव। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक टीम बनती है। अब इसके अंदर अगर हम चेंजेस करना चाहें, रोटेट करना चाहें, तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि मैं यहां से ऋतुराज गायकवाड़ को हटा के, ठीक है, यहां से रणवीरा को मैं रख सकता हूं, इस तरीके से देखिए रणवीरा को रख सकता हूं, और यहां से के दिलहारी को हटा के पूजा वस्त्रकर को रख सकते हैं। ठीक है, ये नीचे के सारे बॉलर हो गए और ऊपर के सारे इंडियन बैट्समैन, इस तरीके से एक जीएल की तैयारी हम कर सकते हैं। यहां से आप चाहें तो राधा यादव को कैप्टन बनाए हैं तो आप यहां पे शिफाली वर्मा को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या रोड्रिग्यूस को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, या शिफाली वर्मा को कैप्टन, रोड्रिग्यूस को वाइस कैप्टन, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप चाहें तो राधा यादव को कैप्टन और रोड्रिग्यूस को वाइस कैप्टन, आप इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों कल की जो टीम होगी ना वो इस तरीके से बेहतरीन परफेक्ट टीम मेरे हिसाब से कल ये रेडी होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगता है, दिल करता हो, आप लोग उसको कीजिएगा। मेरे तरफ से ये जो प्लेयर हैं, अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं फिर से, इंडिया अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो ये टीम बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, और अगर इंडिया सेकेंड बैटिंग करती है तो कैसे करना है, तो इंडिया अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने जाती है, सेकेंड इनिंग में बैटिंग करती है तो आपको क्या करना है कि रोड्रिग्यूज और शेफाली वर्मा इन दोनों को हटा देना है और स्मृति मंदाना को रखना है, ठीक है, यहां से आपको एन डी सिल्वा पर चले जाना है, ठीक, इसके बाद यहां से ये ठीक है, यहां से आपको क्या करना है, सेकेंड इनिंग में अगर ये लोग जाते हैं तो सेकेंड इनिंग में आपको क्या करना है, यहां से रणवीरा जो है, ठीक है, रणवीरा को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं और स्नेह राणा को रख सकते हैं, ठीक है, और सुगंधिता कुमारी को रख के, ठीक है, ये सुगंधिता कुमारी ठीक है, तो ये आपकी टीम बनेगी, ठीक है, इस तरीके से एक टीम बनेगी। और इस टीम के अंदर आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पे आप स्नेह राणा को भी कैप्टन बना सकते हैं, राधा यादव को भी कैप्टन बना सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, राधा यादव और स्नेह राणा इस तरीके से दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा सकते हैं, या स्मृति मंदाना को वाइस कैप्टन, हरमनप्रीत कौर को, या स्मृति मंदाना को कैप्टन, हरमनप्रीत को वाइस कैप्टन, इस तरीके से भी बना के जा सकते हैं, ठीक है। दीप्ति शर्मा को मेरे दोस्तों कैप्टन बनाइएगा तो 45% का सिलेक्शन है, तो मेरे हिसाब से आप लोग दीप्ति शर्मा को छोड़ के रिस्की को कैप्टन बनाइए। दीप्ति शर्मा को टीम में रखिए बट कैप्टन आप किसी रिस्की प्लेयर को रखिए, चाहे ऋतु, मेरे हिसाब से राधा यादव फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करने आती है तो स्नेह राणा हो जाती है, पूजा वस्त्रकर भी एक गुड चॉइसेस है, शेफाली वर्मा है, और सेकेंड इनिंग में स्मृति मंदाना है, अगर श्रीलंका अच्छी रन बनाता है तो, ठीक है, तो ये रहे मेरे हिसाब से दोस्तों एक बेहतरीन, जिस तरीके से प्लेयर्स के स्टैट्स के अकॉर्डिंग, इनिंग्स ब्रेकअप के अकॉर्डिंग जो टीम तैयार होनी चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। बाकी जो भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी सही गलत है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट टेलीग्राम पे मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आज से अब कंप्लीटली तैयारी शुरू कर चुका हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और कोई भी मेरे तरफ से गलती हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं। और अब विनिंग स्टार्ट होगी तो होगी, कंफर्म है।
तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।